नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनावी गहमा गहमी के बीच चुनाव प्रचार जोर शोर से हो रहा है और ऐसे में चुनाव प्रचार का दोहरा शतक लगाने पर हवा में केक काटकर खुशियां मनाई जा रही है और केक काटकर विरोधियों को मिर्ची लगाई जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की, जिन्होंने चुनाव प्रचार के बीच कभी मछली खाते हुए वीडियो डाला तो वो विवादों में आ गया, उसके बाद संतरा खाते हुए वीडियो डाला और विरोधियों को मिर्ची लगाने की कोशिश की गई, और अब चुनाव प्रचार के दौरान 200 चुनावी सभाएं करने को लेकर केक काटा गया, केक एक दूसरे को खिलाया गया और विरोधियों को फिर से मिर्ची लगाने वाली बात दोहराई गई। सुनिए जरा। सभी हमारे जितने भी बिहार के जनता है जो हम लोग को समर्थन दे रहे हैं, खास करके युवा महिला सभी को हमारे तरफ से तेजस्वी जी की तरफ से आप लोगों को केक खिला रहे हैं, और जो लोग हमसे जल रहे हैं नफरत कर रहे हैं उनको लिए भी हम लोग केक खिलाना चाहते हैं। मुंह मीठा कर लीजिए क्योंकि इस बार हम लोग का सरकार बनना है और ये सरकार का उपलब्धि में आप लोग मुंह मीठा कीजिए, और हम लोग हमेशा आपसे नफरत के बाजार को बंद करके और दोस्ती का बाजार हाथ बढ़ा रहे हैं आप लोगों के साथ सभी। ये तो वो कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, अगर केक काट रहे हैं, केक खा रहे हैं, तो इससे दूसरे का क्या लेना देना है। हम अपना हेलीकॉप्टर में मुर्गा खाए, इससे दूसरे को क्या मतलब है? इससे कोई किसी दूसरे को कोई मतलब नहीं है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं और फैसला जनता को करना है जिसने हम लोगों के पक्ष में फैसला कर लिया। नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं भाई, दिन कितने बचे हैं, और ऐसे में थोड़ा सा सब्र। और कितना, आज 23 तारीख हो गई है, 23 तारीख आज हो चुकी है, 23 तारीख आज हो चुकी है और महज 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। हारने वाला कभी कहता है कि हम हार रहे हैं, वो कहता है कभी फीट फटक देंगे। वो एकदम उन लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए वो लोग अब हिंसा का सहारा ले रहे हैं, तनाव फैला रहे हैं। जिन नेताओं ने पद का दुरुपयोग किया है वैसे नेताओं पर ईडीआई का जांच चल रहा है, सीबीआई का जांच चल रहा है, ऐसे नेता बचेंगे नहीं। सरकार हमारी आ रही है, ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं, जीरो पर आउट होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2/3 बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं, बिहार में 40, देश में 400 के पार, फिर से मोदी सरकार आ रही है। सियासत में आने से पहले तेजस्वी यादव फुल टाइम खिलाड़ी हुआ करते थे, और खिलाड़ी की ये खासियत होती है कि वो मैदान नहीं छोड़ता। क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, रिटायर्ड हार्ट होने के बाद टीम को आवश्यकता पड़ती है तो वो खिलाड़ी अगर वापस मैदान में उतरता है तो उसके खेल भावना की कद्र होती है। लेकिन आप अपनी दमखम, अपनी ताकत दिखाने के लिए विरोधियों को मिर्ची लगने की बात करते हैं तो ये सीधे सीधे खिलाड़ी का सियासी होना है। तेजस्वी यादव के प्लेन में केक काटना और विरोधियों को मिर्ची लगाना, ऐसे पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हो रहे इस वायरल वीडियो को हम समझने का प्रयास करेंगे। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि एक खिलाड़ी जो भले ही अपनी टीम की आवश्यकता के अनुरूप कमर में पट्टी बांधकर चुनाव प्रचार में डटा हुआ है लेकिन विरोधियों पर तंज भी कस रहा है, तो वो खिलाड़ी अब सियासी हो चुका है और सियासी खेल का माहिर हो चुका है। क्या लगता है अशोक जी? आप गौर से देखिए तो जब चुनावी अभियान की शुरुआत हुई थी तो उस समय भी तेजस्वी ने इसी की ऐसा ही किया था। याद होगा कि मछली खाया गया था और कहा गया था नवरात्रा चल रहा है और मछली खाए हैं, और उसको लेकर के किस तरह से हंगामा हुआ था, और बाद में तेजस्वी ने कहा था कि हम बीजेपी नेताओं का आईक्यू चेक कर रहे थे, यह वीडियो आप देख लीजिए, मतलब नवरात्रा शुरू होने के पहले का है। तो तेजस्वी यादव हैं युवा, मुकेश सहनी भी युवा हैं, और तेजस्वी राजनीति खिलाड़ी होने के साथ साथ क्रिकेट के भी खिलाड़ी हैं,
तो वो जानते हैं कि अंतिम बॉल तक भी मुकाबला में रहना चाहिए और चुनाव मैच जीता जा सकता है। तो आप देख लीजिए कि पिछले दो दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा समाप्त हो गया और छपरा का जो मामला था, जिस तरह से आरजेडी पर एग्रेसिव थे उनके राजनीतिक विरोधी रोहिणी आचार्य और भोला यादव को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, तेजस्वी और मुकेश सहनी ने खेल को किस मोड़ में दे दिया वो आप देख लीजिए। रोहिणी आचार्य पीछे चली गई, सारण का मामला पीछे चला गया और तेजस्वी का ये खेल आ गया। तो ये राजनीति है और सियासत में सफल नेता वही होता है कि जो सुर्खियों में रहे। आखिर तेजस्वी हैं भी तो लालू प्रसाद यादव के बेटे ना, तो उनको तो पता है कि कैसे सुर्खियों में रहा जाता है और किस तरह से राजनीतिक मोड़ दिया जा सकता है, और उन्होंने दे दिया। और जो मोड़ दिया उसमें उलझ गए सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता। आप वो उनका 200 मान लीजिए चुनावी सभा संपन्न हो गई, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में, कोई केक काट जा रहा है, इससे एनडीए नेताओं को क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यानी कि आप अगर उसकी नोटिस लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि वो हमको चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, या आप मानते हैं कि तेजस्वी अपनी हैसियत बता रहा है कि हमने 200 चुनावी सभाओं को किया, बिहार में कोई नेता हमसे ज़्यादा चुनावी सभा को नहीं किया, बिहार के लीडर हम हैं, युवाओं का आइकॉन हम हैं। तो ये जो चुनावी हैसियत है ये तेजस्वी ने दिखाई है। चुनावी हैसियत का मतलब ये हुआ कि सबसे पॉपुलर लीडर अगर हैं तो हम हैं। चुनाव परिणाम 4 जून को आएगा, क्या उसका लाभ और क्या हानि, चुनाव परिणाम क्या आएंगे, किसने क्या खोया और क्या पाया, ये 4 जून को तय होगा। लेकिन उसके पहले तेजस्वी ने ये बता दिया, और कैसे बता दिया कि मुकेश सहनी ने कहा है, आप वीडियो को देखें ध्यान से, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए आज हम एकदम स्पेशल गिफ्ट लाए हैं। तेजस्वी पूछ रहा है कि क्या है, क्या मुकेश सहनी पॉकेट में लेकर के आए थे वो क्या केक, क्या मुकेश सहनी जिस समय हेलीकॉप्टर पर रख रहे थे तेजस्वी की नज़र नहीं गई होगी क्या। तो ये एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत कभी कभी चुनाव में बयानबाजी जो होती है या बयानों के जो तीर चलते हैं वो तीर कभी कभी ऐसा होता है, जो परिपक्व नेता अगर होता है तो वह तीर कहता है ना कि घायल भी करता है और पता भी नहीं चलता है। तेजस्वी ने आज वही किया है, मुकेश सहनी ने आज वही किया है और अपनी गुगली में सभी राजनीतिक विरोधियों को फंसा दिया है। देखना है कि इससे तो कोई चुनाव परिणाम पर तो कोई असर होना नहीं है, उसके समर्थकों पर भी कोई चर्चा भले बदल जाए, लेकिन आज का दिन तो तेजस्वी का है, तब हम लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कि चर्चा करने के लिए मजबूर किया उनके राजनीतिक विरोधियों ने। अशोक जी, दिन तो गुजर गया, अब शाम हो रही है और चुनावी सभाओं का भले ही तेजस्वी यादव ने दोहरा शतक लगाया हो, लेकिन ये सभाओं का जो संख्या बल है, बीजेपी के नेताओं का जो संख्या बल है, क्या उसके साथ तालमेल बैठ पाएगा? नहीं, तेजस्वी ने अकेले दिखा दिया ना, स्टार प्रचारक रहे वो, आरजेडी के कई नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया, देखिए केवल तेजस्वी, ड्राइविंग सीट पर इंडी गठबंधन की कमान तेजस्वी ने संभाली। आज कांग्रेस हो, वामपंथी दल हो, सभी के नेता, सभी के उम्मीदवार तेजस्वी की डिमांड करते हैं। कांग्रेस के नेता की तो डिमांड आरजेडी वाले नहीं कर रहे हैं, वामपंथी दल के लोग तो नहीं कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि तेजस्वी ने बताया है। और आप इस चुनाव में अगर आप देखिए सीट में क्या उपलब्धि होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तेजस्वी की राजनीतिक हैसियत बढ़ी है और जाने अनजाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को या बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने टारगेट किया है तो तेजस्वी को किया है। यानी कि तेजस्वी उनके समकक्ष राजनीतिक विरोधी हैं, ऐसा उन लोगों ने अपने भाषण में संकेत दिया है। तो इसका मतलब यह है कि तेजस्वी कहीं न कहीं राजनीतिक उनकी जो यात्रा रही इस बार की वो सफल रही है, और यही वजह है कि आज उसका जश्न उन्होंने केक काट करके मनाया है। भले ही केक का स्वाद तीखा नहीं होता है, केक खाने में मिर्ची नहीं लगती है, लेकिन पता नहीं राजनीतिक रूप से ये कैसा केक है कि जिसको लेकर के उनके राजनीतिक विरोधी तल्ख हुए हैं, उनको इस केक का स्वाद अच्छा नहीं लगा है, और यही वजह है कि तेजस्वी और मुकेश सहनी मजे ले रहे हैं और उनके राजनीतिक विरोधी इस पर तंज कस रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, देखना दिलचस्प होगा कि इस केक का स्वाद जो मीठा है
वो मिठास 4 तारीख तक तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के लिए बरकरार रहती है, या फिर एनडीए खेमे को जो मिर्ची लगाने की कोशिश की जा रही है और जो एनडीए खेमे के नेता आरोप लगा रहे हैं कि मिर्ची का स्वाद उन्हें 4 तारीख को तब पता चलेगा, हमारी नज़र बनी रहेगी और आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे।